बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है और करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह कराची में डेंगू फैल रहा है, उसके खिलाफ एक मुहिम की एमसी ने शुरू की दी है, और इस सिलसिले में सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत की हिदायत पर कराची के मुख्तलिफ इलाके, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नॉर्थ नाजाबाद, गुलबर्ग, डिवीजन, यहाँ पर डेंगू बीमारी से बचाव के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं, और मुख्तलिफ नर्सरियों में भी पानी के टैंक और फर्नीचर की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए रखा हुआ गंदा पानी ज़ाया किया गया और टैंक के ढक्कन लगवाए गए। ये तमाम कार्रवाई में डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंटर कामरा नरवी, डिप्टी डायरेक्टर महमूद सिद्दीकी और स्टाफ भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ रहें और देखिए तमाम अपडेट। कराची में डेंगू वायरस से बचाव की मुहिम शुरू की गई है, और केएमसी का अमला खासतौर पर फर्नीचर, नर्सरी, इन जगहों पर ज़्यादा कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी की गई थी ये कार्रवाई, और जिन लोगों ने अपने कप वगैरह ढक के रखे हुए थे उनका शुक्रिया अदा किया केएमसी के अहलकारों ने, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ था उनके टब को भी जब्त किया गया है। ये देख सकते हैं ये टब को ढका हुआ है। बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, डेंगू फैल रहा है। आप लोग ये खुला टैंक रखे हुए हो, गलत बात है। इसको ढक के रखें, इसको बंद करें, इसको बंद करो, बंद रखो ना। आरटीआई बंद होगा, इसके ऊपर प्लास्टिक बिछाओ, गन्ना सही से रखो, प्रॉपर बंद करो। ये आप देख सकते हैं टैंक का ढक्कन गायब है, और इस नर्सरी के लोगों को कहा गया है कि ढक्कन लगाएं, और ये ढक्कन भी लगा दिया गया है। तो एक ही छोटी सी अपडेट थी, यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।